एक राजा के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी जिसमें अंगूरों की एक बेल लगी थी। वहां रोज एक चिड़िया आती और मीठे मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती और अधपके व खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वह उसके हाथ नहीं आती थी। हार कर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उसने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली और वाटिका में छिप कर बैठ गया। जब वह चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने तेजी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की चार जरूरी बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, हे राजा, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी भी पछतावा मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी से बता दो। तो चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी रहस्यमयी है, मुझे जरा ढीला छोड़ दो क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। आपने मुझे बहुत देर से पकड़ रखा है, थोड़ा सांस ले लेती हूँ फिर आपको बताऊंगी। चिड़िया की बात सुनकर जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में दो हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की हालत देखकर चिड़िया फिर बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी फिर भी आपने पकड़ कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में दो हीरे हैं, फिर भी आपने उस पर भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लग गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उपदेशों को जीवन में उतारे बगैर उनका कोई मोल नहीं होता।